बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के चार धामों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार तीर्थ स्थल हैं जिन्हें चार धाम कहा जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का प्रमुख निवास स्थल माना जाता है। साथ ही बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। मान्यता है कि 6 महीने विश्राम के समय श्री हरि विष्णु यही निवास करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में जाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को 100% मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री बद्री नारायण की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे बहुत कम खर्चे में ट्रेन द्वारा भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप भी बद्रीनाथ की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप दिल्ली से और दिल्ली के अलावा भारत के किसी भी राज्य से ट्रेन द्वारा बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं इस यात्रा में होने वाले सभी खर्चों के बारे में। दिल्ली से बद्रीनाथ की दूरी की बात की जाए तो वो है लगभग 542 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपको कैसे जाना है। सबसे पहले दिल्ली और दिल्ली के अलावा आपको भारत के किसी भी राज्य से बद्रीनाथ जाने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए ट्रेन पकड़नी होगी, क्योंकि बद्रीनाथ के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश तक ही आना होगा। बेहतर रहेगा कि आप ट्रेन द्वारा सबसे पहले हरिद्वार ही पहुंचे, क्योंकि आगे की यात्रा पर जाने से पहले हरिद्वार में गंगा स्नान करके ही जाना चाहिए। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान करने का अपना ही एक महत्व है। लेकिन अगर आप फिर भी हरिद्वार नहीं रुकना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में रुकने के लिए आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी और साथ ही बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे। धर्मशालाओं के खर्चे की बात की जाए तो लगभग 300 रुपए से लेकर 700 रुपए तक और होटल 800 रुपए से लेकर 1500 तक में आराम से मिल जाता है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी की बात की जाए तो वो है लगभग 220 किलोमीटर के आसपास और हरिद्वार से ऋषिकेश 24 किलोमीटर आगे है। दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी भी अभी आगे आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको आगे की यात्रा कैसे करनी होगी। फिलहाल ऋषिकेश से आगे कोई भी ट्रेन नहीं जाती है। ऋषिकेश इस रूट का आखिरी रेलवे स्टेशन है। तो हरिद्वार से आगे की यात्रा करने के लिए आप हरिद्वार से किराए की टैक्सी भी ले सकते हैं और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य परिवहन की तरफ से और प्राइवेट बस ऑपरेटर की तरफ से चलने वाली बसेस के द्वारा भी आप बद्रीनाथ तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली और जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे। यदि आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ की डायरेक्ट बस नहीं मिले तो आप जोशीमठ की बस भी पकड़ सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास और अगर हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी की बात की जाए तो वो है लगभग 312 किलोमीटर के आसपास। बस और टैक्सी आपको बद्रीनाथ पार्किंग पर उतारेगी। पार्किंग से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी है लगभग 400-500 मीटर के आसपास, जिसे आपको पैदल ही तय करना होगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी का किराया लगभग 6000 रुपए से 7000 रुपए के आसपास रहेगा और इसी के साथ बस की बात की जाए तो बस का किराया प्रति व्यक्ति लगभग 800 रुपए से लेके 1000 रुपए के आसपास रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। वैसे तो आपको बद्रीनाथ में बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप मानव कल्याण आश्रम, स्वामी नारायण मंदिर धर्मशाला, श्री हरि निवास गेस्ट हाउस और परमार्थ लोक आश्रम के अलावा बद्रीनाथ मंदिर के आसपास ऐसे कई आश्रम और गेस्ट हाउस मौजूद है जहां आप बहुत कम खर्चे में ठहर सकते हैं। इन सभी धर्मशालाओं और आश्रमों में आपको लगभग 600 रुपए के आसपास कमरा मिल जाएगा। ध्यान रखें, बद्रीनाथ काफी ठंडी जगह है जहां साल भर तापमान काफी ठंडा रहता है, इसलिए बेहतर है कि आप स्वेटर, जैकेट, थर्मल वियर, विंड चीटर, विंटर कैप, सर्दी के हिसाब से फुटवियर और ग्लव्स इत्यादि साथ में जरूर रखें। ऐसी कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में हाइपोथर्मिया हो सकता है, इसलिए सभी तीर्थ यात्रियों को गर्म कपड़ों की लेयर पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम पल पल में बदलता रहता है, इसलिए कंबल, छाते, रेनकोट और टॉर्च इत्यादि भी अपने साथ जरूर रखें। इसी के साथ दोस्तों, एक बात का और खास तौर पर ध्यान रखें, आपको चार धाम यात्रा पर जाने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट, जिसका नाम है registrationandtouristcare.uk.government.in,
इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको वहां पहुंचकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो बेहतर रहेगा आप यात्रा पर जाने से 2-3 दिन पहले यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट का लिंक और चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार के हेल्पलाइन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश तक जाने वाली ट्रेनों की जानकारी भी दे देता हूँ। ध्यान रखें, इस वीडियो में मैं कुछ मुख्य ट्रेनों की जानकारी दे रहा हूं। यदि आप दिल्ली से हरिद्वार तक जाने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर दिल्ली से हरिद्वार तक जाने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी का वीडियो भी मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ट्रेनों की जानकारी को शुरू करते हैं हमारी ट्रेन नंबर 1 से। आज की हमारी पहली ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 22457। ये दिल्ली से देहरादून तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से शाम को 5:50 पर चलती है और मात्र 3:21 में हरिद्वार रात को 9:11 पर पहुंचा देती है। ये सप्ताह में 6 दिन चलने वाली ट्रेन है, यानी कि बुधवार को छोड़कर सप्ताह के सभी 6 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसमें आप चेयर कार और इकोनॉमी चेयर कार दोनों प्रकार का टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, सभी ट्रेनों का किराया अलग अलग है। ट्रेनों का किराया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और एक बात और ध्यान रखें, इसमें रेलवे का सर्विस चार्ज अलग से रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की दूसरी ट्रेन के बारे में। आज की हमारी दूसरी ट्रेन का नाम है देहरादून जन शताब्दी। इस ट्रेन का नंबर है 12055। ये ट्रेन भी दिल्ली से देहरादून तक चलने वाली ट्रेन है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर को 3:20 पर चलती है और अपनी 4:13 की यात्रा को पूरा करने के बाद शाम को 7:33 पर हरिद्वार जंक्शन पर उतार देती है। ये सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसमें आप सेकंड फिटिंग का और चेयर कार का टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है उत्कल एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 18477। ये पूरी से ऋषिकेश तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोपहर को 1:20 पर चलती है और अपनी 6:48 की यात्रा को पूरा करने के बाद रात को 8:08 पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतार देती है। उसके बाद ये ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर रात को 9:50 पर पहुंचती है। ये ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसमें आप स्लीपर का, थर्ड इकोनॉमी का, थर्ड एसी का और सेकंड एसी का टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें जनरल का टिकट लेके भी आप यात्रा कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, जनरल का टिकट लेने पर आपको जनरल के डब्बे में यात्रा करनी होगी और जनरल के डब्बे में भीड़ अक्सर बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए उसमें सीट मिले इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप कम से कम 185 रुपए वाला स्लीपर का टिकट लेकर ही यात्रा करें, ताकि कम से कम आपको बैठने की सीट तो जरूर मिले। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है योगा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 19031। ये अहमदाबाद से ऋषिकेश तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के 3 रेलवे स्टेशन को कवर करती है। पहला है दिल्ली कैंट का, जहाँ से ये सुबह 4:05 पर चलती है और उसके बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये सुबह 5:05 पर चलती है और उसके बाद शाहदरा के रेलवे स्टेशन से ये सुबह 5:21 पर चलती है और अपनी 7:13 की यात्रा को पूरा करने के बाद हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:18 पर पहुंचा देती है। उसके बाद ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ये दोपहर को 12:25 पर पहुंचती है। ये ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसमें भी आप स्लीपर का, थर्ड एसी का, सेकंड एसी का, फर्स्ट एसी का और साथ ही जनरल का टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। आज की हमारी अगली ट्रेन का नाम है लक्ष्मीबाई नगर ऋषिकेश एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 14317। ये लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश तक चलने वाली ट्रेन है। ये दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सुबह 9:50 पर चलती है और अपनी 6:20 की यात्रा को पूरा करने के बाद हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर शाम को 4:10 पर उतार देती है और उसके बाद ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ये शाम को 6:45 पर पहुंचती है। ये सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेन है, रविवार के दिन और सोमवार के दिन। इसमें आप स्लीपर का, थर्ड इकोनॉमी का, थर्ड एसी का और सेकंड एसी का टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। साथ ही इसमें भी आप जनरल का टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ मुख्य ट्रेनें मैंने आपको दिल्ली से हरिद्वार तक जाने वाली बता दी हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हरिद्वार जाने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस यात्रा में आपका कुल खर्च कितना आएगा। कुल खर्चे में यदि खाने पीने का, रहने का और बस का और इसी के साथ ट्रेन का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 7 से 8 हजार रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति खर्च आ सकता है।
उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री बद्री नारायण की, जय श्री हरि विष्णु की। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ जल्द ही एक नए वीडियो में।